दोस्ती स्पेशल में आ रहे हैं अंडरग्राउंड के अंडरटेकर नेपो और उनके कोरियोग्राफर वर्तिका झा। एरोप्लेन किधर है? वो पीछे पार्क किया है सर। नेपो आजकल बॉलीवुड के हर स्टार के बच्चे को नेपो ही बुलाते हैं, इंक्लूडिंग माय ओन चाइल्ड। नेपोटिज्म का शॉर्ट फॉर्म नेपो। नेपो वाकई मेरे घर में तेरे बड़े बड़े फैंस हैं। इनफैक्ट अनन्या इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स एंड उसने तेरे लिए एक ब्रेसलेट भेजा है। फ्रेंडशिप दोस्ती वाला ब्रेसलेट, बिकॉज वो चाहती कि ये ब्रेसलेट पहन के तुम नाचो एंड शी इज अ बिग फैन ऑफ योर डांस। थैंक यू सो मच। बड़ा शर्मा रहा है। कैसे देख रहे हैं? अनन्या जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हमारी दोस्ती पक्की हुई आज से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से गुदगुदी हो रही है मेरे। गुदगुदी हो रही है ना, इसलिए खाली फ्रेंडशिप बैंड है और कोई बैंड नहीं है। टेक ऑफ लेने के लिए तैयार है? तो लेट्स रेड फॉर देम। जोरदार ताला हो जाए। All passengers of IPT Airways flight number S123 kindly proceed towards gate S4 for boarding. अरे तुम यहां कैसे? तुम तो किसी और एयरलाइंस में थी। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं यहाँ सात समुंदर पार। Ladies and gentlemen, your next destination is Africa. Wow! The flight is about to take off. What? For IBD Airways. Urgently report for boarding. I repeat, last call for IBD Airways. Urgently report for boarding. Ja.
बाप रे, अगर सरोज खान जी यहाँ होती जिन्होंने कोरियोग्राफ किया था ये गाना, इसको हम लोग ने बबल्स डिस्को केन्या नैरोबी में शूट किया था. टुडे व्हाट यू ऑल हैव डन, शी विल बी सो हैप्पी इन हेवन जब वो देखेगी ये परफॉर्मेंस. अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल भाई. थैंक यू सो मच. फुल मार्क्स भाई फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. नेपो, मैंने सुना है टॉल डार्क एंड हैंडसम, बट यू आर टॉल फेयर एंड हैंडसम. Thank you so much, man. Pahadi ladka hai, pahadi. I like pahadis. Even Sameer is a pahadi. Aye. Oh, like that. And she loves pahadis because she lives in Pali Hill. मेरे बजर से तो बच गए आप लोग, क्योंकि आपको मिल गया. मैं तो नहीं देती, because I've seen better. कोई जो पहली बार आपको देख रहा है, वो बोलेगा fantastic. Wow, what a performance. It was average dancing for me. नेपो इन वर्तिका, मुझे थोड़ा सा डांसिंग कम लगा इस बार. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल इनकी बात मत मान, तू सुपर्ब था. कानून अंधा होता है. वो अंधा नहीं होता, निष्पक्ष होता है. आप एक और डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा, निष्पक्ष. कृष्णा मैम कपूर साहब लिख रहे हैं आप ये. मुझे बहुत पसंद आया नेपो आपका परफॉर्मेंस. मेरे हिसाब से थैंक यू सो मच मैम. No, I'll have to balance the score then. Okay. इशारों इशारों में गीता और करिश्मा ने जी ऑलरेडी इशारा कर दिया है कि बैलेंस कर देना. 5 marks. 25. All right. Five. इतनी कंजूसी. आप उदास ना हो. Okay. अच्छा, ये दोस्ती का स्पेशल है. मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि नेपो कैसा दोस्त है. मैं नेपो को, आप कभी भी उसको, मतलब पहली बार कोई भी लड़की या फिर लड़का कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि उसमें कितना एटीट्यूड है, या फिर वो मतलब थोड़ा अजीब है, बात नहीं करता. पर वो सच में बहुत स्वीट पर्सन है. मतलब जो भी रिहर्सल्स चल रहा है उसमें, जब भी वो थका हारा हो उसके पास जाए ना, तो वो इस तरीके से उसके बात करता है ना, मतलब सामने वाला चुप होके बस उसको सुनता है. मतलब वो इतना आप इसको अपना दोस्त मानती हो. हाँ सर. आप इसको एक बार पैसे उधार कर दे के देखो. फिर आपको दोस्ती समझ में आएगी. रोज पार्टी करेंगे, बिल तू भरेगा. I love it, I love it, I love it. नेपो, I have a request. आप मेरे साथ एक डांस करेंगे? Let's go. चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार, क्या होता है तेरे दीवाना दिल जब धड़के पहली बार, क्या होता है बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार, ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना. चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार, क्या होता है दीवाना दिल जब धड़के पहली बार, क्या होता है. चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार, क्या होता है दीवाना दिल जब धड़के पहली बार, क्या होता है. नेपो, कुछ बोलना चाह रहे हो? यस yes, यस yes, कुछ बोलना चाहता हूँ. बताइए क्या कहना है. मैं नीलम मैम के लिए कुछ कहना चाहता हूँ. जब आपकी पहली मूवी आई थी जवानी, माना, तब से आप सबके क्रश बन गए थे. फिर आपकी खुद गर्ज आई, फिर एक लड़का एक लड़की, फिर उसके बाद पाप की दुनिया, और इन सारी मूवीज में आप इतने सुंदर लगते थे. मतलब क्या आप हमारे साथ एक छोटा सा डांस मूवमेंट करेंगे? अरे वाह वाह वाह. नेपो ने रिक्वेस्ट किया है तो जरूर. लेट्स गो. वेरी नाइस. एक अनिकेत कैसे आते देख ले. या आजा नेपो, आजा. ओ आशीर्वाद. अनिकेत कुछ सीख ले. मैं ऐसी तो लेके आता हूँ. नहीं बिल्कुल नहीं.
पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुंजो से ना बुलबुल के, गुल से गुंजो से ना बुलबुल के, गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, 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 आपके आ जाने से। Neelam, you still have the moves, girl. I still have the moves. And thank cute. You. Yeah. Still cute when she's like, cute. Very graceful and she's like very proper when she does. Learn dipping as children. Dipping हमारे लिए Bollywood dancing का बहुत अहम हिस्सा है. That was PL Raj. Actually, पहले हम वो सीखते थे. When she came into the scene, she made it proper. मतलब classy dipping. हम थोड़े से ऐसे है ना कि मतलब हम जब डांस हम इंडियन ये आए तो सीन बदल गया शिव बैले करती थी ना पहले बैले करती थी टोज पे नाचती थी और हमारा गुरु एक ही था पीएल राज मार मार के नचाता था Did you get beaten up? हाँ, मुझे तो सोटी लेके मारा था नीलम को क्या बात कर रहे हो आप नीलम मुझे मारते थे ना पीएल राज जी हसीना को पसीना आ रहा है जब मुझे स्टेप्स नहीं आते थे तो पीएल राज जी मुझे डंडा लेके मारते थे बट फिर उन्होंने मुझे बेस्ट डांसर बना दिया हिंदुस्तान का और एक दिन मुझे बताता हूँ एक गाना कर रहा था मैं नीलम के साथ फर्स्ट फिल्म पिक्चर का नाम था आगी आग गाने का नाम था लागली 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 ऐसी हिचकी लागली और लास्ट जो मुखड़ा था गाने का था वो बारिश में था बारिश हो रही है और नीलम नाच रही और से मुर्र कर रही थी मैं आराम से बारिश में नाच रहा था तो बोली यार तू ऐसे कैसे नाच रहा है तुझे ठंड नहीं लग रही है ऐसे नहीं मैं स्पेशल कॉफी पी रहा हूँ मुझे भी सिप दे दे नींबू पानी वाला कॉफी नींबू पानी वाला कॉफी तो मैंने उसको अपना नींबू पानी वाला कॉफी दिया और उसने पूरा ग्लास गड़क दिया खड़ाक करके और फिर जो उसने डांस किया उसके बाद नहीं नहीं फिर मैं बेहोश पड़ गई और मुझे याद है चंकी का स्टेप एक सिंपल चार्ल्सटन स्टेप था ओके हाउ मेनी रीटेक्स 30 36 रीटेक हुए थे रीटेक आफ्टर रीटेक आफ्टर रीटेक एंड नींबू पानी आफ्टर नींबू पानी आफ्टर नींबू पानी ओनली वन नींबू पानी एंड देन आई एक्चुअली फेंटेड डॉक्टर को बुलाना पड़ा हाँ ये है मेरा दोस्त चंकी पांडे ये तो पहली बार बेहोश हो गई थी सेकंड टाइम हॉस्पिटल चली गई बेचारी थैंक्स टू मी बट आई एम सॉरी अबाउट दैट मैं अभी पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहा हूँ पिक्चर मिलने के लिए आप कुछ भी झूठ बोल सकते हो प्रोड्यूसर को right. तो उन्होंने पूछा आपको घोड़ा चलाने आता है ऐसे सर मैं लास्ट ईयर डर्बी जीता हूँ मोटरसाइकिल चलाने आता अरे भाई मेरे घर में चार चार मोटरसाइकिल है बिल्कुल मैंने साइकिल नहीं चलाया आज तक तो शॉट ये था कि शादी के मंडप से मैं नीलम को उठा के मोटरसाइकिल पे लेके जाता हूँ मैंने नीलम को पीछे बैठाया मास्टर जी ने बोला ओके स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन मैंने जो व्हीली किया 130 के स्पीड में सीधा जाके झाड़ के अंदर टकराया
क्या बात कर। और मैं मोटरसाइकिल से उड़ गई थी और वो मोटरसाइकिल मेरे ऊपर गिर गया था, वो स्कार अभी भी है। थैंक्स टू चंकी पांडे। सो सॉरी, मैं आज पब्लिकली नेशनल टेलीविजन पे अपोलोजाइज कर रहा हूँ, बट इसकी इसने बहुत कुछ झेला है मेरी वजह से। चलो माफ कर दिया चंकी। थैंक यू। सो क्यूट यार, ऐसी दोस्ती बनी रहे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।